फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपाइलर डिजाइन लेक्चर सीरीज में बात करेंगे थ्री एड्रेस कोड की, कैसे हम किसी प्रोग्राम को थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं, देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्जाम में या कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ आपका कोड फ्रेगमेंट दिया हुआ है जहाँ पे वाइल लूप के कंसेप्ट से बना हुआ है। इसी को बोल रहा है कि आपको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें थ्री कोड में, तो आपका कोई एक आई वेरिएबल है जिसको लेके जिसी आई पे लूप चला रखा है वाइल लूप, और यहाँ पे लूप के अंदर फिर से कोई कंडीशन दे रखा है। तो इसको हम वन बाय वन देख रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले थ्री एड्रेस कोड में आपको देखना होगा कि जो भी डिक्लेरेशन लाइन है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, थ्री एड्रेस कोड में हम उसका कोडिंग नहीं लिखते हैं। अब यहाँ से देखें तो कोडिंग स्टार्ट कहाँ से आ गई, आई से। तो पहली कोडिंग होगी आपकी आई इक्वल टू वन। अगर आई इक्वल टू वन देखें तो ऑलरेडी क्या है आपका थ्री एड्रेस कोड के फॉर्म में है, इसको हम बोल देंगे लाइन नंबर वन। ऐसे ही लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री, लाइन फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलेवन, कुछ लाइन नंबर हम पहले नोट कर रहे हैं ताकि मुझे कहीं पे किसी लाइन पे जंप करना होगा तो हम इजीली जंप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस वाली लाइन का थ्री एड्रेस कोड आपका ये हो गया। इसका थ्री एड्रेस कोड कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, वाइल का या फार का कोई भी लूप होगा वहाँ पे जो मेन एक लाइन होगी कंडीशनल लाइन, जो कंडीशन चेक करती होगी, वहीं से हम उसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा इफ आई इज लेस देन टेन गो टू, अगर आई इज लेस देन टेन है तो कंडीशन ट्रू है तो गो टू कहाँ पे करेगा, गो टू मीन्स किस लाइन पे करेगा, अभी हम लाइन यहाँ पे लिखेंगे। और अगर ये कंडीशन फेल होता है तो कहाँ गो टू करेगा, ये भी आपको देना पड़ेगा, मीन्स ट्रू और फॉल्स, क्योंकि हर इफ कंडीशन का एक ट्रू और फॉल्स केस बनेगा। तो ट्रू पे कहाँ पे जाएगा, ये लाइन नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे, फॉल्स पे कहाँ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम इसको। अब देखिए अगर ट्रू के केस में देखें तो लाइन नंबर फोर पे हम जंप कर सकते हैं क्योंकि फोर पे भी कोई कोड नहीं है, थ्री पे नहीं जंप कर सकते क्योंकि थ्री पे ऑलरेडी कोड है यहाँ पे, तो हम यहाँ ले लेंगे लाइन नंबर फोर। अब फोर पे आइए, ट्रू वाला केस कौन सा है, ट्रू वाला केस यही है, ट्रू के अंदर फिर से इफ कंडीशन आ गया, तो अगेन हम ले लेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई गो टू। अब देखिए फिर से यहां से जब इफ कंडीशन आ गया तो इसका भी दो केस बनेगा, एक ट्रू के केस में एक फॉल्स केस में। सपोज ट्रू के केस में हम यहां पे जाएंगे और फॉल्स केस में कहां आएंगे, गो टू। अब गो टू इसका फॉल्स केस में लाइन लिखेंगे हम, इसके बाद यहां पे कौन सी लाइन नंबर आएगी। अगर हम ट्रू के केस में देखें तो लाइन नंबर सिक्स यहां पे फ्री है, तो लाइन नंबर सिक्स हम यहां पे लिख सकते हैं, गो टू लाइन नंबर सिक्स। तो ट्रू का केस का जो ऑप्शन होगा लाइन, ए लाइन हम यहां पे लिख देंगे आई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिए या आई इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये ऑलरेडी किस फॉर्मेट में है, थ्री एड्रेस कोड में है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। वैसे आप चाहें तो अलग से भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से एक टी वन वेरिएबल लेके एक्स प्लस वाई कर लीजिए और इसी आई में फिर टी वन को एलोकेट कर दीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट ही काफी है। अब देखिए जैसे ही ट्रू का इस वाले इफ के ट्रू का काम यहां पे कंप्लीट हो गया तो अब क्या करेगा, अब यहां से जैसे ट्रू का काम कंप्लीट किया फिर क्या करेगा, व्हाइल पे अगेन बैक कर देगा। मीन्स यहां से फिर आ जाएगा आपका गो टू व्हाइल लूप कहां शुरू हुआ था, टू से, तो वहां हो जाएगा गो टू लाइन नंबर टू। फिर से ध्यान दीजिएगा जैसे वाइल लूप यहां पे कंडीशन ट्रू हुआ ये वाला काम करेगा, इसके अंदर इफ आया, इफ का अगर कंडीशन काम करता है ट्रू होता है तो इसको ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर यहीं से बैक कहां पे हो जाएगा वाइल लूप पे। अब देखिए अगर ये कंडीशन फॉल्स करता है, ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स करता है तो इस वाले गो टू पे आएगा लाइन नंबर कौन सा एम्प्टी बच रहा, एट, तो हम ले लिए लाइन नंबर एट। एट पे इस एल्स वाले का कोडिंग लिख देंगे हम यहाँ पे आई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और जैसे ही इसका कोड कंप्लीट करेगा, इस कंप्लीट होने के बाद फिर से कहां पे कंट्रोल जाएगा, इसका फिर से कंट्रोल जाएगा वाइल लूप पे, मींस लाइन नंबर टू पे, तो अगेन हम लिखेंगे यहां पे गो टू लाइन नंबर टू। अब ध्यान दीजिए इस लूप से बाहर कब निकलेगा, जब एक कंडीशन फेल होगा, एक कंडीशन फेल होगा तो इस वाले गो टू पे आएगा, जब इस वाले गो टू पे आएगा तो यहां पर लाइन नंबर कौन सा एम्प्टी बच रहा, टेन, तो हम लिख सकते हैं टेन, और यहां पर टेन पे लिख सकते हैं स्टॉप, तो यहीं पे आपका लूप इस तरीके से स्टॉप हो जाएगा। तो
सिंपली इस तरीके से हम इस वाले कोडिंग का 3 8 कोड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोग्राम कोड दे रखा है, इसी को बोल रहा है 3 8 कोड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे व्हाइल लूप दिया था, यहाँ पे डू व्हाइल लूप दिया, इसी तरीके से फॉर लूप दिया होगा तो भी आप इजिली कर लेंगे। अब इसके लिए कीजिए, पहले हम सी इक्वल टू जीरो एक वेरिएबल दिया जिसको इनिशियलाइज कर लिया सी इक्वल टू जीरो से, लाइन नंबर 1 है क्योंकि ये ऑलरेडी सी इक्वल टू जीरो 3 8 कोड के फॉर्म में है तो इसको वैसे लिख रहे हैं हम। यहाँ पे लाइन नंबर ले लीजिए, लाइन नंबरिंग कर लीजिए कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ मैंने लाइन नंबर ले लिया। अब इसके बाद जैसे डू पे आएगा, डू वाइल है तो अगेन क्या होगा, इफ कंडीशन आएगा, इफ ए इज लेस देन बी गो टू, अब ध्यान दीजिए यहां पे ट्रू का केस है, अगर ट्रू होगा तो गो टू कहां करेगा और फॉल्स होगा तो गो टू कहां करेगा, आपको दो ऑप्शन देने पड़ेंगे। अब गो टू यहां पे ट्रू है तो ट्रू के केस में लाइन नंबर 4 हम दे सकते हैं क्योंकि 4 पे अभी कोडिंग नहीं है। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगा कौन सा काम करेगा, एक्स इक्वल एक्स प्लस प्लस, तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, या इसको अलग तरीके से हम लिखने चाहे दो लाइन में लिख सकते हैं, जैसे t1 इक्वल टू x प्लस 1 कर लें, फिर अगेन x में इसी की वैल्यू t1 असाइन करते हैं, तो ये लाइन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं होगा। और ऑलरेडी अगर इस फॉर्मेट पर लिखते हैं ये भी क्या है आपका 3 8 कोड के फॉर्म में है। अब जैसे ही ये काम कंप्लीट करेगा x प्लस प्लस पे, तो इल्स वाले पार्ट में जाके कहाँ जंप कर जाएगा, ये आ जाएगा इस पे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ये वाला कंडीशन है, इस कंडीशन ट्रू पार्ट में ट्रू होता है तो यहाँ पे जाएगा और फॉल्स अगर करता है तो इस पर लाइन पे आएगा फॉल्स में, और आइदर ट्रू या फॉल्स करने के बाद कहाँ पे जाएगा, सी प्लस प्लस पे, तो यहाँ पे एक और कोडिंग आ जाएगा आपका सी इक्वल टू सी प्लस 1। और जैसे सी प्लस 1 यहाँ पे कंप्लीट करेगा इसके बाद कहाँ पे जाएगा, वाइल पे, तो यहाँ पे हम कर लेंगे गो टू अभी यहाँ पे हम लिखेंगे गो टू कहाँ पे कर रहे हैं, वो लाइन नंबर लिखेंगे पहले, इस वाले गो टू को हम देख लें। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस गो टू पे आएगा, इस गो टू का मतलब लाइन नंबर 7 पे हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं फॉल्स वाले की। फॉल्स वाले की कोडिंग क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, या इसको भी अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं टी1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स इक्वल टू टी1, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन से यहाँ भी काम चल जाएगा, ऑलरेडी आपका 3 8 फॉर्म में है। इसके बाद जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा C इक्वल टू C प्लस 1। अब ध्यान दीजिए इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे कंडीशन फेल हुआ, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, गो टू, फिर जाएगा आपका व्हाइल कंडीशन पे अगेन गो टू। अब गो टू कहाँ पे जाएगा, इस वाले की लाइन जहाँ कोडिंग होगी। अब ध्यान दीजिए इसके अलावा सारे की कोडिंग हमने 3 8 कोड में डिकोड कर लिया है, तब इसकी कोडिंग चाहिए। अब इसकी कोडिंग जंप करेगा कहाँ पे, लाइन नंबर 10 पे। लाइन नंबर 10 पे मतलब कि इसकी क्या है अगेन, इफ सी इज लेस देन 5 गो टू, अगर कंडीशन ट्रू करता है तो अगेन कहाँ पे कंडीशन आएगा, अगेन आपका इस डू वाइल लाइन पे आएगा। यहाँ पे कोडिंग कहाँ से रुकी है, लाइन नंबर 2 से, तो यहाँ हो जाएगा गो टू 2। अगर ये फॉल्स करता है तो गो टू एक लाइन और आ जाएगा 12, हम ले लेंगे यहाँ पे गो टू 12 और 12 पे क्या होगा आपका स्टॉप। अब ध्यान दीजिए कि इस वाले पे कब पहुंच रहा लाइन, अगर देखिए यहाँ पे अगर हम इस पे एग्जीक्यूट करते हैं, ये जहाँ जहाँ लाइन एग्जीक्यूट करते हैं इसके बाद कहाँ पे जाएगा आपका, इसके बाद फाइल लूप पे ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका ही आएगा। तो इसके बाद देखिए C इक्वल टू C प्लस 1 के बाद गो टू कहाँ, यहाँ पे है, तो लाइन कहाँ, लाइन नंबर 10 पे गो टू कर देगा अगेन, फिर ये है यहाँ भी आया तो इसके बाद लाइन नंबर 10 पे गो टू ये भी कर लेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा 3 8 कोड इस दिए हुए क्वेश्चन का। तो होपफुली दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से और भी फॉर लूप के लिए या कोई सिंपल स्टेटमेंट के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोर अबाउट ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे।